राजधानी लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध अलीगंज के हनुमान मंदिर में एक चिट्ठी के आने से हड़कंप मच गया और इस चिट्ठी के जरिए लखनऊ के कई और प्रमुख स्थानों में भी धमकी दी जा रही है कि वहां भी धमाके किए जाएंगे। कई बड़े नेताओं के आतंकियों के निशाने पर होने की बात भी कही गई। कानपुर और दिल्ली स्थित एक बड़े पान मसाला मेकर ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और कोलकाता में फैले हुए हैं 31 जगहों की तलाशी ली गई। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां पकड़ने का काम किया है। योगी सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई, जहां यूपी में कोरोना काल में जान गंवा चुके पत्रकारों को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वे दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को हर संभव सहायता देंगे। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के विकास की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। बता दें कि सीएम योगी नोएडा एयरपोर्ट की जमीन ट्रांसफर के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उत्तराखंड से छोड़ा गया पानी बिजनौर के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खेतों से लेकर सड़कों तक कई फीट पानी भर गया। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कानपुर में आईटी के छापे में 400 करोड़ के अघोषित कारोबार का खुलासा हुआ। ये छापा एसएनके समूह पर पड़ा, जहां छापे में 7 किलो सोना और 52 लाख रुपए नकद बरामद किए गए।